गुड मॉर्निंग टू मॉर्निंग एवरी वन. आई एम योर आर के रंजन सर एंड टूडे आई वॉन्ट टू टीच यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सर्टेन एंड ए सर्टेन. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सर्टेन और ए सर्टेन में क्या अंतर है. चूंकि ये आपको लिखने में, बोलने में और समझने में हर दृष्टिकोण से आपको कोऑपरेट करेगा, सहयोग करेगा. आपको जानना जरूरी है कि आखिर सर्टेन और ए सर्टेन में क्या अंतर है. छोटा सा वीडियो है, बहुत जल्दी कवर कर देंगे. और सबसे पहले जो बच्चे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर देंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाएगा. इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए आप जरूर चैनल से बने रहें और आप इसका लाभ उठाते रहें. आइए हम लोग आज बात करेंगे. टुडे आई वांट टू डिस्क्राइब अबाउट अ सर्टेन एंड सर्टेन कि आखिर ए सर्टेन और ए सर्टेन में क्या अंतर है. ए सर्टेन आप देख रहे हैं, ए सर्टेन ए लगा हुआ है तो निश्चित है कि आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सर्टेन के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा. ए सर्टेन के बाद कौन सा नाउन आएगा बाबू, एक बार जरा मेरे साथ बोलो. सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सर्टेन के बाद कौन सा नाउन आएगा, जरा एक बार मेरे साथ बोलिए. प्लुरल काउंटेबल नाउन. सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए बॉय, ए गर्ल, ए चेयर, ए टेबल, ए काउ एंड ऑक्स एक्सेट्रा. आप जानते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जो एक हो और गिनती हो सकता है. सर्टेन के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन होता है और प्लुरल काउंटेबल नाउन को आप समझते हैं जैसे बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, ऑक्सन, पेंस एक्सेट्रा. आपको पता है कि बॉयज क्या है, एक से अधिक है और यह गिनती हो सकते हैं. गर्ल्स क्या है, एक से अधिक है और गिनती हो सकते हैं. तो प्लुरल काउंटेबल नाउन हमको लेना है सर्टेन के बाद और ए सर्टेन ए लगा हुआ है तो हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेंगे, ठीक है. और दोनों का हिंदी होता है अवर्णित या अज्ञात, जिसको आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, वो अज्ञात है, वो अज्ञात लड़का है, अज्ञात लड़की है, अज्ञात व्यक्ति है, आप उससे परिचित नहीं है, इसके बारे में बात करता है. आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट आपको क्या कहता है. एक बहुत सुंदर सा हमने एग्जाम्पल दिया है आपको, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है. ऐसा एग्जाम्पल हमने आपको दिया है ताकि उससे आप बेहतर रूप से समझ सके क्या अंतर है. इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. चूंकि ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते हैं इसीलिए छोटा सा वीडियो आपके बीच हम डालेंगे, लेकिन बहुत ज्ञान में आपको बहुत अंतर डाल देगा, ज्ञान को बढ़ाएगा. आइए देखते हैं. एक क्वेश्चन है कि मैंने कल एक अज्ञात लड़का को देखा, अज्ञात लड़की को देखा, मतलब मैं उसको नहीं जानता था. तो हम लोग इस बात को कैसे लिखेंगे और रखेंगे और बोलेंगे. तो आई सॉ मैंने देखा, आई मेट में मिला, जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं. तो आई मेट अ सर्टेन बॉय, मैंने एक अज्ञात लड़का से मिला. यस्टरडे बीता हुआ कल, तो मैंने कल एक अज्ञात लड़का से मिला, मतलब मैं उस लड़का को नहीं जानता था, पहले उसे मैंने कभी नहीं मिला था, पहले मैं उसे कभी नहीं मिला था. आई मेट अ सर्टेन बॉय यस्टरडे. कुछ लड़के मान लेते हैं खेल रहे थे फील्ड में, मैदान में, प्लेग्राउंड में, मैं उसको नहीं जानता था कि लड़के बच्चे कहाँ के थे, कहाँ से आए हुए थे, बस खेल रहे थे, मैंने ऐसा देखा था कल. तो हम लोग कैसे बोलेंगे, बोलेंगे सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, अज्ञात लड़के मैदान में खेल रहे थे, हम लोग इस तरह से बात करेंगे, ठीक है. तो आइए कुछ एग्जांपल हम आपके बीच रखते हैं. लिखता है ए सर्टेन, ए सर्टेन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और सर्टेन के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन होगा, दोनों का हिंदी होगा अज्ञात या अवर्णित. क्वेश्चन कहता है मैं एक अज्ञात लड़का से कल मिला, तो ध्यान देने वाली बात है ए सर्टेन बॉय, ठीक है, एक अज्ञात लड़का. तो आई मेट अ सर्टेन बॉय यस्टरडे,
ये एक अज्ञात लड़का, इसका मतलब हम उसको नहीं जानते थे। ये के बाद कौन नाउन, सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि अज्ञात लड़के, अज्ञात लड़के खेल रहे थे कहां, मैदान में। अज्ञात लड़के मैदान में खेल रहे थे, मतलब मैं उस बच्चा को, लड़का को मैं नहीं जानता था, जो भी लड़के खेल रहे थे उससे मैं रूबरू पूर्व परिचित नहीं था। तो कैसे लिखेंगे, सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। इस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सर्टेन में और ए सर्टेन में क्या अंतर है, ठीक है। काफी बड़ा अंतर है, आप ध्यान से रखेंगे। ए सर्टेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, सर्टेन प्लुरल काउंटेबल नाउन लेता है। दोनों का हिंदी अज्ञात ही होता है, अवर्णित ही होता है, लेकिन यूज में अंतर है। तो आप कैसे इसको लिखेंगे, है ना। और ए सर्टेन लिखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सर्टेन लिखेंगे प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो आपके लिखने में, समझने में, बोलने में, हर दृष्टिकोण में यह इफेक्ट डालेगा। तो चलिए, इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।